पाकिस्तान का अनोखा गांव जहां हर फैसला इमाम मस्जिद करता है। मकवाना पाकिस्तान का एक ऐसा गांव जहां 7 साल से सिगरेट नोशी पर पाबंदी है। तफसीलात के मुताबिक जिला फैसलाबाद में 493 वाकया। मामू कांजन का एक नवाही गांव गावे में गुज़िश्ता 7 साल से और तो दूर की बात है किसी दुकान पर सिगरेट तक फरोख्त नहीं होते। तमाम गाँव वाले इमाम मस्जिद की बात मानते हैं और इन्हीं के कहने पर यहां सिगरेट नोशी पर पाबंदी है। गांव के तमाम बूढ़े लोगों को अपने अपने घरों में हुक्का पीने की इजाजत दी गई है। इमाम मस्जिद मौलाना मोहम्मद अमीन के कहने पर किसी को शादी ब्याह या दीगर खुशी के मौका पर ढोल गाने बजाने और आतिशबाजी की भी इजाजत नहीं है। गाँव वाले जब अपने बच्चों की शादी किसी दूसरे शहर करते हैं तो पहले इनको मजकूरा रसूम न करने का बता देते हैं। गांव में TMA के खाकरोब नहीं है और गांव के नौजवानों ने अपनी मदद आपके तहत हलालो वेलफेयर सोसाइटी के नाम से तंजीम बना रखी है जो तमाम समाजी और फलाही काम बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे रही है। लड़ाई झगड़े के तमाम मामलात गांव की मस्जिद में बैठकर हल किए जाते हैं। ये गांव सफाई के हवाले से फैसलाबाद का मसाली गाँव और सफाई पर इनाम भी हासिल कर चुका है। 10,000 से जायद की आबादी के गांव में सिर्फ एक मरकजी मस्जिद है जहां पर तमाम लोग नमाज जुम्मा और ईदेन की नमाजें पढ़ते हैं। बाकी नमाजें गांव की दूसरी मस्जिद में जो गांव वालों के नजदीक तरीन होती हैं वहां पढ़ते हैं। लेकिन एक और हैरान कन बात यह है कि यहां अजान सिर्फ मरकजी मस्जिद में दी जाती है और ये अजान तमाम मस्जिद के लाउड स्पीकर से सुनाई देती है। इस गाँव के लोग इमाम मस्जिद की बातों पर अमल करते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर सिगरेट नोशी पर पाबंदी है।